नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज कानीटिक एनर्जी ऑफ अ प्लानट इन एन इलेप्टिकल पार इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजिशन ए बी एंड सी आर के ए के बी एंड के सी रेस्पेक्टिवली ए सी इज़ द मेजर एक्सेस एंड एस बी इज द परपेंडिकुलर टू ए सी एट द पोजिशन ऑफ द सन एज शोन इन द फिगर और उसके बाद हमें कंपेयर करना है कि कानेटिक एनर्जी के ए के बी और के सी में से कौन बड़ा होएगा सबसे ज़्यादा और कौन जो होएगा सबसे छोटा इसमें ना यहाँ पे नीट के एग्ज़ाम में हमें मैथामेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है हम सिर्फ इसको अंदाजे से वो बता सकते हैं वो ऑल दो मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं पर यूजली इसकी नीट के एग्जाम में ज़रूरत होती नहीं है जेई में तो हम इसको कैलकुलेट करवाते हैं सो यहाँ पर अगर हमारा ये एलिप्टिकल पाथ है अगर इस पात को नोटिस करें कि यह आपका एलिप्टिकल पाथ है और लेटेस्ट से यहाँ पर आपके सन की लोकेशन uh, है सो so कैपलर का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि सारे ऑब्जेक्ट हमेशा uh, uh, सारे हेवनली uh, ऑब्जेक्ट या सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं एलिप्टिकल एलिप्टिकल पाथ विद सन एज वन ऑफ द दोकाई हालांकि सो ये आपके सन की लोकेशन है सो so इसके अबाउट uh, एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पे बी है ये वाला पॉइंट आपका ए है और ये वाला पॉइंट आपका सी है सो पार्टिकल लेट से ऐसे ऐसे घूम रहा है हमें इसके बाद बताना है कि इनकी वेलोसिटी और या फिर इनकी कारेंटिंग एनर्जी पे कंपेयर करना है सो so, इस जगह पे आपकी वेलोसिटी इधर आई इस जगह पे वेलोसिटी इधर आई और इस जगह पे वेलोसिटी आपकी ये हुई सो so, यहाँ पे कारेंटिंग एनर्जी के ए सॉरी के बी यहाँ पर आपकी कारंटिंग एनर्जी के और यहाँ पर कॉनटिंग एनर्जी के सी इस जगह पे आपके सन की वेलोसिटी सन के जब क्लोजेस्ट है यहाँ पे आपकी क्योंकि अगर हम इसमें सीधा डायरेक्ट कैपला के, लॉ अप्लाई करें कि आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होएगी और यहाँ पे आपकी सबसे कम होएगी सो बेस्ड ऑन दिस मैं भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको बताता हूँ बट बेस्ड ऑन दिस ये कह सकते हैं कि कानीटिक एनर्जी जो के है वो सबसे ज़्यादा होएगी के बी से और सबसे कम होएगी एट दिस लोकेशन के सी पे सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर नाउ अगर इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो आई डाउट कभी हमें नीट के एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगी पर अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी लिखें हैं लेट्स एज वी कॉल दिस वेलोसिटी वी टू और यहाँ पे वेलोसिटी वी वन अगर हम लिखेंगे तो वी वन और वी टू को हम ऐसे लिख सकते हैं सो वी वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम पी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस ई डिवाइडेड बाय वन माइनस ई का होल अंडर रूट हाँ सिमिलरली जो वी टू है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ जी एम पी डिवाइड बाय ए वन माइनस ई डिवाइड बाय वन प्लस ई का होल अंडर रूट ई इज देंट्रिसिटी ऑफ योर सेटेलाइट इसके बारे में और ज़रा डिटेल में चर्चा करने की आई डोंट थिंक हमें यहाँ ज़रूरत है यूजली हम um, क्योंकि हमने आपको सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है सो वी कैन लीव इट एट दिस पॉइंट सो बेज ऑन ऑलरी डिस्कशन हमें कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर